हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो मैं आज आई हूँ खेत में, सब्जी की गुड़ाई करनी थी, तो वही मैं आप लोगों के खेत की जो मैं गुड़ाई वगैरह दिखाती हूँ वो शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि कोई लोग बोर भी हो जाएंगे, सोचेंगे क्या डेली खेत खेत गुड़ाई गुड़ाई दिखाते रहती है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ही मैं शेयर करूँगी, वरना फिर ये है प्याज की क्यारी। घास ना बहुत बड़ी हो गई है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है खेत में आने का, घर का भी काम होता है और बच्चे आजकल घर ही पे रहते हैं तो कभी उनका क्लास चलता है, फिर जब मैं घर पे नहीं रहती हूँ तो कभी क्लास लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं, खेलने में लगे रहते हैं, तो इस वजह से मुझे खेत में आने का टाइम नहीं मिलता है। पहले तो क्या होता था कि बच्चे स्कूल चले जाते थे तो वो स्कूल जाते थे तो मुझे फिर आराम से टाइम हो जाता था, तो इसीलिए खेत में नहीं आ पाती हूँ तो घास बड़ी हो जाती है। सब्जी की गुड़ाई बार बार करनी पड़ती है तो ही अच्छा होता है और तो ही सब्जी बड़ी होती है, वरना तो फिर घास बड़ा हो जाता है और सब्जी छोटी रह जाती है। और अभी मेरे लहसुन में भी इतनी बड़ी घास हो रही है तो मुझे उसकी भी गुड़ाई करनी है। सब्जी की गुड़ाई करना ना बहुत टफ होता है क्योंकि घास निकालना होता है और सब्जी को बचाना होता है। जैसे छोटी छोटी जब घास हुई होती है तब गुड़ाई कर दो तो उतना टफ नहीं होता है, पर जब घास बड़ी हो जाती है तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। बस वीडियो तो छोटा बनता है पर इसमें मुझे ऐसे 2-2.5 घंटे ऐसे लग जाते हैं। प्याज की गुड़ाई तो हो गई है, अब मैं करूँगी लहसुन की गुड़ाई, तो वही आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे लहसुन और प्याज मेरी दोनों की गुड़ाई हो गई है और अब शाम भी हो गई है तो मैं जाऊँगी घर को।
अभी घास वगैरह निकालने के बाद लहसुन इतना अच्छा लग रहा है।